हेलो फ्रेंड्स, इस चैलेंज में आप सबका स्वागत है। आज हम बैठे हैं स्विफ्ट डिजायर ZDI मॉडल में, जो 2011 का मॉडल है। आज हम बात करेंगे स्विफ्ट डिजायर इस गाड़ी का। जो तो ये जो लाइट आपको डैशबोर्ड पे जला हुआ दिख रहा है, वो सर्विस का लैंप है। अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट है, RPM देखिए 1000 के आसपास है। तो स्टार्ट होने के बाद भी अगर ये लाइट जले रहे तो आपको सर्विस के लिए गाड़ी के लिए ज़रूरत है। पर किसी किसी बाद में ये लाइट किसी किसी गाड़ी में आप खुद भी बंद कर सकते हो। तो उसका प्रोसेस है, पहले आप गाड़ी का इंजन ऑफ कर लीजिए, ठीक है। देखिए मेरा RPM ज़ीरो पे आ गया है। फिर आप चाबी को एक बार ऑन कीजिए, फ्यूल पंप थोड़ा सा तेल जब आ जाएगा इंजन पे, उसके बाद अब फिर से चाबी को ऑफ कर दीजिए, इंजन मत स्टार्ट करना। फिर से आप ऑन कीजिए, अब स्टार्ट कीजिए इंजन को। देखिए चला गया ये लाइट, मेरा RPM देखिए 1000 के आसपास है। इसके मतलब मेरा गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। डैशबोर्ड के किसी भी सिग्नल ऑन नहीं दिखाई दे रहा है, इसके मतलब जो सर्विस का लैंप ऑन था वो अभी चला गया। किसी किसी गाड़ी में ऐसे भी सर्विस लैंप चला जाता है। सो पहले घर पे या गैरेज पे खुद ये प्रोसेस ट्राई कीजिए, उसके बाद सर्विस सेंटर पे जाइए। अगर ये लाइट कंटिन्यू जला रहेगा जब गाड़ी आपका स्टार्ट रहेगा, तो ज़रूर किसी न किसी सर्विस सेंटर या किसी टेक्नीशियन को आप ज़रूर दिखा लीजिए, वरना आपका गाड़ी का प्रॉब्लम आ सकता है। डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है सब कुछ, सिग्नल ही गाड़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सब सिग्नल जब इंजन ऑन रहेगा तो बंद हो जाना चाहिए, अगर ऑन रहेगा तो वो चीज़ ठीक से आपका गाड़ी में काम नहीं कर रहा है। सो सर्विस सेंटर पर जाइए, फिर चेक कर लीजिए, ठीक है। गुड बाय फ्रेंड्स।